आज तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। रविवार को तिरुपति पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। तेलंगाना के मेदक में पीएम मोदी की बड़ी रैली। राहुल गांधी का नाम लेकर पीएम ने केसीआर पर किया हमला। बोले, राहुल गांधी की तरह हार के डर से केसीआर भी दो सीटों से लड़ रहे हैं चुनाव। केसीआर को आखिर दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस के राहुल गांधी को भी अमेठी छोड़कर के केरल में भागना पड़ा था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू राष्ट्र पर दिया बड़ा बयान का। भारत आज से नहीं बल्कि कई हजार साल पहले से हिंदू राष्ट्र है। इसराइल हमास युद्ध पर शांति की जताई उम्मीद। ये नहीं कि हम संविधान के कारण जीवित हैं, हमारे संविधान बनाने वाले पूर्वज स्वयं जीवित और भविष्य के थे। हमारी 5000 साल पूर्व की प्राचीन परंपरा हमको यही सिखाती है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में हुई मैनुअल ड्रिलिंग। ड्रिफ्ट टनल बनाने में सेना की मदद। सुरंग के पास पहुंचा प्लाज्मा कटर। वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई। प्रयागराज में कंडक्टर पर हमला करने के आरोपी लारे भाषमी के पाकिस्तानी कनेक्शन पर लगी मुहर। पूछताछ में कबूली पाकिस्तान खादिम हुसैन रिजवी के वीडियो देखने की बात। उनकी आइडियोलॉजी हम लोग से मिलती है, जानते नहीं बस ऐसे मतलब नेट पे देख सकते हैं कि जो पुस्ताख लोग हैं उनको भी पैगाम देने के लिए। गुजरात में बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत। गृहमंत्री अमित शाह ने जताया दुख। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर गिप्पी ग्रेवाल ने कनाडा के घर में फायरिंग के बाद न्यूज 18 इंडिया से की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, मेरी सलमान खान से कोई दोस्ती नहीं। लॉरेंस से दुश्मनी की बात को भी नकारा। क्योंकि सलमान खान का जब नाम आया तो मेरी कौन सी सलमान खान के साथ दोस्ती है? तो एज अ मतलब फिल्मों में काम करता हूँ, मैं वहाँ पे गया। प्रोड्यूसर जिसकी फिल्म थी उन्होंने सलमान को ट्रेलर लॉन्च में बुला लिया। मैं तो खुद उसको वहाँ पे मिला हूँ। उससे पहले मैं बिग बॉस में गया था तो तब मिला था। हमास से सीज फायर के बीच अचानक गाजा पहुंचे इसराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू। पिछले दो दशक में गाजा पहुंचने वाले पहले पीएम बने नेतन्याहू। तिरुवनंतपुरम में खेले गए दूसरे T20 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 44 रनों से हराया। भारत के 235 रनों के जवाब में कंगारू 191 रनों पर हुए ढेर। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे।